हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्कम। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। वो सेंटर है, टेंजेंट्स एट एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट एट टी। ये टेंजेंट है टी एक्स और टी वाई, तो ये दोनों टेंजेंट टी पे इंटरसेक्ट हो रहा है। गिवन एंगल एक्स टी वाई, एक्स टी वाई ये एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। एंड एंगल एक्स ओ जेड, ये देखिए ये एंगल दिया हुआ है 140 डिग्री। तो हम लोग को निकालना है एंगल एक्स जेड एक्स वाई। देखिए जेड एक्स वाई मतलब ये एंगल निकालना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए, जो आर्क आपका एक्स जेड है, इसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है एक्स ओ जेड है, और इसी आर्क के द्वारा यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल एक्स वाई जेड है। तो एक्स ओ जेड का हाफ होगा, ये 140 है, तो ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री। ये 70 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल टी एक्स वाई ये एंगल कितना है, 80 डिग्री है। किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट खींचते हैं वे टेंजेंट आपस में बराबर होते हैं। तो इन ट्राइंगल टी एक्स वाई टी एक्स बराबर टी वाई है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये अकेला कितना 80 है, तो ये दोनों एंगल बराबर है। तो 180 माइनस 80 करके 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों एंगल मिल जाएंगे, जो कि 50-50 हो जाएंगे, 50 डिग्री। मतलब ये भी 50 होगा और ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, एंगल टी एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा, एंगल टी एक्स वाई मतलब एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर होगा, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये 50 है, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ये पूरी एंगल की बात कर रहे हैं, मतलब एंगल टी एक्स वाई जो है बराबर होगा एंगल एक्स जेड वाई के। और ये टी एक्स वाई हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही 50, तो एक्स जेड वाई ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रायंगल एक्स वाई जेड में ये एंगल 50, ये 70, दोनों मिला के 120, तो 180 में से 120 माइनस कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।